लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस्ती पहुंचे और नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री ने भोजपुरी में लोगों का अभिवादन कर सभा में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की पावन भूमि उत्तर प्रदेश में आप सबको हमारे हाथ जोड़कर प्रणाम बा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा, यह देश के किसी फतवे या फरमान से नहीं बल्कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान से चलता है। फतवा और जिहाद के दिन चले गए हैं और लोग जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली पर अब गौरी, गजनबी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं है बल्कि भारत के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा, ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। दिल्ली पर आप गौरी, गजनवी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई और भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। और पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 3 करोड़ पक्के मकान और बनाएंगे, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेगी। ऐसे ही 70 वर्ष से ज्यादा वालों को मुफ्त में इलाज मिलेगा तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा।